सबसे पहले आ, हम आ, आप भी और आ, मैं भी इस टाइम हम उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जिस मंजिल का हमें बड़ा इंतजार था पिछले रिमेनिंग जो 66 सिक्स अराउंड टॉपिक्स हमने किए हैं उन टॉपिक्स के अंदर हमने अपनी फाउंडेशंस बिल्ड की थी कि जब हम एक फॉर्मल अपने प्रोजेक्ट की तरफ़ जाएंगे, तो हम इस पोजीशन में हों कि हम उसको बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकें सो कंग्रेचुलेशन हम अपने प्रोजेक्ट तक पहुँच चुके हैं यहाँ से अनवर्ड जो है हम असेस भी करते रहेंगे कि जो कमांड्स हमने वन बाय वन लर्न की हैं सीखी हैं किस तरह उन कमांड्स को हम इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को एफिशेंटली क्विकली प्रिसाइजली और एकूरेटली बनाते हैं सो so, फॉर्मल uh, जिस प्रोजेक्ट का हम बहुत uh, ज़िक्र करते रहे हैं अपनी ड्राइंग्स uh, अपने टॉपिक्स के अंदर सो so, uh, हम उस प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं हमारा uh, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है जैसा कि आपके एल से भी क्लियर है आप देख रहे होंगे हाउस प्लान डिज़ाइन करने हम जा रहे हैं एक और इसी हाउस प्लान को आगे जाके हम थ्री के अंदर देखेंगे और फिर इसी हाउस प्लान को हम आटोकैड थ्री डी थ्री मैक्स में भी देखेंगे और इस हाउस प्लान को हम आ, इस तरह डिज़ाइन करेंगे जिस तरह एक जो ड्राइंग सबमिशन होती हैं जब आप आ, कोई भी प्लान बना के आप अथॉरिटीज़ के अंदर जाते हैं आप म्यूनसपेल्टीज़ के अंदर जाते हैं म्यूनसपल कमेटीज़ एम के अंदर जाते हैं तो एक सबमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक प्लान दिखाना है आपकी डिटेल्ड ड्राइंग्स जो आप बनाते हैं तो हम आ, बड़े कूल एंड काम तरीके से पूरी ड्राइंग्स बनाएंगे वही ड्राइंग्स जो एक अथॉरिटी के अंदर किसी टी एम ए जिसको आ, जिस तरह एग्जिस्ट करती हैं के पी के के अंदर वहाँ पर आप जमा करवाते हैं और फिर हम उसी का थ्री डी देखेंगे और उसी को आगे जाकर हम थ्री डी मैक्स में भी और आ, आपने यहाँ तक अपने आप को लिमिटाइज़ नहीं करना क्योंकि दुनिया बहुत वाइड एंड ओपन है ये जो हम प्लान बना रहे हैं तो जस्ट एक कंपोनेंट है इस यानी एक हम कोशिश करेंगे कि एक ड्राइंग्स आपको बना कर दिखा दें इसके बाद ये ओपन हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए कमांड्स आपको आती हैं मेथड्स आपने कुछ लर्न कर ली हैं उसके बाद हम वेबसाइट्स भी आपको कुछ ऐसी बताएंगे जहाँ पर बहुत बेतहाशा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी तो आप एक बहुत अच्छे तरीके के साथ कैरी ऑन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को और इसके साथ साथ हम हाउस प्लान अगर बना रहे हैं तो आप कमर्शियल एरियाज़ के बना सकते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है वो एक सिलसिला अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कैड के अंदर और हमने बात की कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप डिफरेंट वेब वेबसाइट जिस अपर्क है या इस तरह की और फ्री की वेबसाइट्स हैं आप अगर वहाँ पर जाएँ तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कैड से रिलेटेड होते हैं जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होते हैं तो अब आपने असेस करना है अपने आप को इस टॉपिक से अनवर्ड कि जो कमांड्स हमने लर्न की हैं उनको कितना क्विकली और एफिशिएंटली हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी आई uh, ट्राई कि मैं स्पीड uh, अपनी इस इस इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा के रखूं क्योंकि हमने uh, कमांड्स वही इस्तेमाल करनी है जो हम सीख के आ चुके हैं उनका यूज़ है इस कमा इस टॉपिक्स uh, के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर तो ये स्पेसिफिक जो हमारा पहला प्रोजेक्ट uh, है मैं भी काफ़ी इस टाइम एक्साइटेड भी हूँ खुश भी हूँ क्योंकि एक मंजिल है जो नज़र आ रही है कि अब हम अपना आज से एक फॉर्मली जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है तो इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफ़िकली हम बहुत क्विकली जब भी आप बात करते हैं एक प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं कि घर का नक्शा बनाना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नक्शा जब हमने जमा करवाना है तो कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं जो कि हमने साथ वहाँ जमा करानी है और फिर हम आने वाले लेक्चर्स में क्विकली पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि ये ड्राइंग्स होती क्या हैं ये बनती कैसे हैं और फिर हम बनाने की तरफ मूव करेंगे और इन आने वाले कुछ टॉपिक्स के बाद हम देखेंगे कि हम उस पोजीशन पे पहुंचे हुए होंगे कि हम अपनी एक कंप्लीट जो हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है इस सब्जेक्ट का एक ड्राइंग्स बना लेंगे फिर हम देखेंगे उन्हीं ड्राइंग्स को हम थ्री में थ्री डी मैथ्स में सबमिशन कैसे कराते हैं अच्छा फिर हम सबमिशन प्रोसेस भी देखेंगे कि अथॉरिटीज़ के अंदर हम आपको क्विकली बताएंगे जब आपने ये जमा करवाना होगा हाउस प्लान तो उस वक्त किन किन मरल से किस किस तरह आप अप्रूवल लेते हैं कैसे वो अथॉरिटी में जमा होता है तो हम अभी जो है वो जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जब हम अथॉरिटी के अंदर मैंने एक नक्शा घर का बनाना है या मेरा अपना घर है किन किन चीज़ों को मुझे जमा करवाना होगा किसी भी टी एमए के अंदर म्यूनसपल कमेटी के अंदर जो मेरे एरिया में डील कर रही है ताकि मुझे वहाँ से अप्रूवल मिल सके और मैं ईजिली वर्क कर सकूँ सो और बढ़ते हैं उस प्रेजेंटेशन की तरफ जिसका हम बड़ी अभी, अभी मैं तो कम बड़ी बड़ी से कम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था पिछले कई टॉपिक्स में कि हम फॉर्मल उस प्रोजेक्ट पे आए जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जो सीख ली हैं उसको हम इस्तेमाल करें तो ये जो है मेरे पास पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन है इसको जो है हम क्विकली देख लेते हैं कि सबमिशन ड्राइंग्स हमारी कौन सी होती हैं सो मैं सबसे पहले कॉन्टेंट्स टू बी कवर्ड पे आ जाता हूँ कि हमने क्या क्या कवर करना है और इसके अंदर सबसे पहला जो है हमारा सबमिशन ड्राइंग की बात हो रही है और सबसे पहले हो रही है बात लोकेशन प्लान की फिर बात हो रही है साइट प्लान की फिर बात हो रही है फाउंडेशन ड्राइंग्स की प्लान ऑफ बिल्डिंग एलिवेशन सेक्शन और अदर रिक्वायरमेंट्स ये वो चीज़ें हैं इनफैक्ट जो किसी भी घर का नक्शा जब हमने मंजूर करवाना होता है उससे पहले हमें ये ड्राइंग्स बनानी होंगी अगर ये ड्राइंग्स हमारे पास नहीं हैं तो हम एक नक्शे को अप्रूव नहीं करवा सकते अब हम आ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना ये टर्म्स को हम क्विकली एक्सप्लेन भी कर लेते हैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते साथ हम ओरिजिनल वो लगा भी देंगे कि ये लोकेशन प्लान है तो वो क्या होता है वो कैसे बनता है इसको फिलहाल हम अभी बता रहे हैं आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम खुद बनाएंगे भी सही जिस घर का हम नक्शा खुद बनाएंगे उसी घर के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट्स कवर भी करेंगे तो लोकेशन प्लान हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो ये हमारे पास है लोकेशन प्लान ए लोकेशन प्लान प्रोवाइड्स एन एलिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोपोज डेवलपमेंट इन इट्स सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट लोकेशन प्लान में क्या करता है कि हमारा घर जहाँ मौजूद है उसके जो बाहर के इमीजिएट जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी मेरा फ़र्ज़ करें आपका जहाँ भी अभी घर होगा आपके घर की दीवारें लग रही होंगी आपके घर के पीछे किसी का साइड में घर होगा सामने घर होगा सामने हो सकता है एक तरफ आपकी गली होगी और बाकी तीन साइड ज़्यादातर एरियाज में कवर्ड होती हैं एक टॉपिक में चैम्फर जहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा हो ज़रूर होता है कि हमारे दो साइड पे हमें गली लग रही होती है रोड लग रही होती है और हमारी दो साइड पे घर होते हैं तो लोकेशन प्लान क्या करता है लोकेशन प्लान हमें हमारा जो घर जहाँ मौजूद है उस घर की लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू तो सराउंडिंग एरियाज़ के बाहर की लेट्स लेट्सपोज़ अगर हम अपने इमेज को देख लें तो बहुत क्लियर हो रहा है कि ये मेरी साइट है जिसका जो है वो वन जी जो है वो कोई भी इसका नंबर है अक्सर नंबर मौजूद होते हैं हमें गिवन होते हैं तो ये मेरे पास एक नंबर है इसके साथ अब वो अगर आप नोट करें तो मुझसे जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड हो रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो बता रहा है कि इसके किस साइड पे जो है वो प्लॉट नंबर 177 है किस साइड पे इसके प्लॉट नंबर 175 है अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे भी प्लॉट है इसके राइट right साइड पे भी प्लॉट है इसकी बैक साइड पे भी प्लॉट है और इसके अगर आप नोट करें तो सामने से जो है वो एक फिफ्टी फीट वाइड रोड गुजर रही है और ये सामने अगर आप देखें तो स्केलिंग भी है कि ये किस स्केल पर बनाया गया है क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ओरिजिनल स्केल के ऊपर किसी चीज़ को डिज़ाइन करें हमेशा हम स्केल सेट करते हैं एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो ग्राउंड की कितने फीट को हम इधर रिप्रजेंट कर रहे हैं तो ये इस तरह हम एक कम्प्लीट एलोकेशन प्लान अपना बनाएंगे ये लोकेशन प्लान हमारे सामने भी है तो इसमें हमने अगेन देखें तो लोकेशन प्लान का नाम है ये हमारी साइट है जिसको हमने हैच किया हुआ है हमें हैच करना आता है हम ये भी करेंगे इसके साथ वो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी सामने से कौन सी रोड गुजर रही है और बाकी तीन तरफ हमारे प्लॉट हैं तो लोकेशन प्लान क्योंकि ड्राइंग का बेसिक हमारा पहला कंपोनेंट है जिसको हम नॉर्मली बना लेते हैं कि हमें बता रहा है कि हमारे प्लाट के इर्द गिर्द अगर हम बिल्कुल सादा और आसान उर्दू में इसको अगर हम तशरी कर लें तो हमारे प्लाट जहाँ पर हमारी लोकेशन है उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है लोकेशन प्लान ये हमारी ड्राइंग के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जो हमने जमा करवानी है आगे बढ़ते हैं उसके साथ दूसरा जो था वो था साइट प्लान तो साइट प्लान क्या है साइट प्लान इज अ लार्ज स्केल ड्राइंग दैट शोज द फुल एक्सटेंट ऑफ द साइट फॉर एन एग्जिस्टिंग आर प्रपोज डेवलपमेंट अब लोकेशन प्लान में तो हमने देखा कि सिर्फ हमें प्लॉट की बाउंड्री और उसके इर्द गिर्द क्या है साइट प्लान में हम डायरेक्ट उस साइट को देखेंगे साइट मीन वो घर जो हम बना रहे हैं वो हमारी साइट है इस टाइम उसके अंदर हम इन डेप्थ और इन डिटेल चेक करेंगे कि उसके अंदर अगर आप डिटेल देखें क्या क्या चीजें वो बता रहा है ए साइड प्लान यूजली शोज अ बिल्डिंग फुटप्रिंट ओवरऑल बिल्डिंग का हमें जो बाउंड्री नजर आ रही है ट्रेवल वेज पार्किंग कहाँ है ड्रेनेज फैसिलिटीज क्या है सैनिटरी सीवर लाइन्स वाटर लाइन्स लाइटिंग लैंडस्केपिंग ये सारी डिटेल हमें उसके अंदर नजर आ रही होती है और इंफॉर्मेशन जो हम साइट प्लान पे शो करते हैं अच्छा ये जरूरी नहीं कि इसका कोई बिल्कुल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है ये चेंज होता रहता है यानी और ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है बाद जगहों पे कुछ चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं तो आपने वो लाजमी शो करनी है तो ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो क्लाइंट मीनस जो आपको फ़र्ज़ करें आप किसी एक्स वाई जी बंदे का घर डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको क्या है और उस अथॉरिटी उस इदारे की जहाँ पर आपने ये जाके प्लान जमा करवाना है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो ये दो रिक्वायरमेंट्स आपको अगर पता होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है इसके साथ ब्लॉक हमारे पास स्केल कौन सा यूज है डायरेक्शनल हमारे पास सो रोड फैसिलिटीज तो ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास जो है वो हमारा साइट प्लान मौजूद है आप देखें ये अगर आप देखें जो डिफरेंस क्या था लोकेशन प्लान में सिर्फ हमें ये दिया गया था कि ये हमारी बिल्डिंग है और इसके सराउंड में क्या है लेकिन आप इसके इर्द गिर्द आप देखें तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या है इसकी ये बिल्कुल ए टू जी हमें क्लैरिटी के साथ ये सेप्टिक टैंक आप लोग देखें अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमारा जो है ड्राइव वे जहाँ से हमारी गाड़ी मेन गेट जहाँ से एंटर होगी उसके साथ डायमेंशन मौजूद हैं बाउंड्री वाल की हाइट मौजूद है तो साइट के से रिलेटेड हमें सारी स्पेसिफिक डिटेल्स पता है जब ये डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और आ, बहुत इजीली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि लोकेशन प्लान हमें सिर्फ आइडिया देता है कि वो प्लाट कहाँ मौजूद है साइट प्लान आइडिया देते सिर्फ प्लाट मौजूद कहाँ नहीं बल्कि उसकी फ़र्दर डिटेल्स क्या हैं उसका गेट कहाँ से होगा उसकी ड्राइव वे क्या है उसकी जो सीवर लाइन्स हम बात कर रहे थे वो कहाँ से गुजर रही हैं तो ये सारी डिटेल्स जो हैं हमें यहाँ से ये यह मेन सीवर लाइन की बात भी हो रही है वाटर सप्लाई लाइन की भी बात हो रही है और ये ओवर हेड रेजरवायर टैंक जो हम अक्सर हमारे घरों के ऊपर पानी हम स्टोर करते हैं बना हुआ होता है अक्सर वो भी डिटेल्स हमारे सामने है इसके साथ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बात की थी फाउंडेशन ड्राइंग्स की दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट इन सबमिशन ड्रॉइंग कि हम जब घर बनाते हैं अक्सर आप देखते होंगे कि कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर को डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो यानी uh, फ़र्ज करें ये ज़मीन है हमारी और हम जमीन से ईंटें लगाना नहीं हम सबसे पहले खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद उसकी हम फाउंडेशन बनाते हैं नॉर्मली विलेजेस के अंदर तो ईंटों से ही ज़्यादातर बना दी जाती है वो फाउंडेशन फाउंडेशन हम क्यों बनाते हैं पहले हमारे वॉल को बहुत ज़्यादा हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईंटें लगाते हैं आहिस्ता 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 आस्ता ग्राउंड पर आकर हम सिंगल जो जिस ईंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारी थिकनेस नाइन इंच को या शो कर रहे होते हैं वो हम वॉ ब्रिक्स लगा देते हैं लेकिन जब आपने कभी बड़े प्रोजेक्ट्स देखे होंगे अक्सर आप ऐसा लाजमी इतफाक हुआ होगा कि आप कहीं से गुज़र रहे हैं और सामने आपने देखा हो कि कोई बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है या कोई गवर्नमेंट की कोई मशीनरी आई हुई है और किसी चीज़ की तो इसको कहते हैं डिगिंग एक्सकवेशन हो रही होती हैं खुदाई कर रहे होते तो नीचे और यहाँ पे अक्सर पाइलिंग्स होती हैं ये बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिस तरह मेट्रो ट्रेन किसी ने अगर आप में से देखी हूँ जब आप गुज़र रहे हो चाहे मुल्तान है इस्लामाबाद है या हम लाहौर की बात करते हैं तो पाइलिंग हो रही होती है और बहुत ज़ेर ज़मीन हम खुदाई कर रहे होते हैं उसके अंदर हम सरिया भी डालते हैं पर्पज़ क्या होता है स्लैब के हमारा जो स्ट्रक्चर बने वो ज़्यादा मज़बूत बने और अब अगला सवाल आता है कि ये इसका कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कि एक तो आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं फ़र्ज़ करें मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और वो बिल्डिंग जिस तरह हमने एक हाउस प्लान बनाया दो स्टोरी है अगर डबल स्टोरी है तो वह ज़रूरत ही नहीं है हमें क्योंकि ज़रूरत इन अ सेंस पाइलिंग की नहीं है वहाँ पे हम नॉर्मली फाउंडेशन से भी वर्क कर सकते हैं जो अक्सर हम बेशतर हम घरों में यानी वहाँ पे हमें बहुत कोई बड़े सरिया या इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है पाइलिंग की लेकिन अगर हम कोई कमर्शल प्लाजा बना रहे हैं या हम जिस तरह ये मेट्रो बसेज हमारी जो चल रही हैं उनके पिलर्स और बहुत उसके ऊपर एक लोड आना है बहुत टन लोड आना है थाउजेंड में उस वक्त हमें बहुत ज़रूरी होता है और फिर डिपेंड ये करता है हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाटर टेबल लेवल के और इसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारी नीचे अंडरग्राउंड जिस पे हम जहाँ वर्क कर रहे हैं जो सॉयल है उसका लेवल क्या है बाज़ जिस जिसमें हम सेम ज़्यादा इलाके में अगर काम कर रहे होते हैं सेम ज़्यादा इलाके में क्या होता है पानी ऊपर आया हुआ होता है तो वहाँ पे अगर हमने कभी कोई अवल तो हम वहाँ रिकमेंड ही नहीं करते हम कभी नहीं कहते कि वहाँ कोई हैवी बिल्डिंग आप बनाएं लेकिन अगर आपको बनानी पड़ जाए तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा डिगिंग करते हैं कंपेक्शन करते हैं पहले आप मट्टी को पुख्ता करते हैं फिर उसके अंदर आप डिगिंग करते हैं इसको हम वर्ड यू कहते हैं सॉयल बेरिंग कैपेसिटी कि जहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ज़मीन की बर्दाश्त कितनी है कि जो नीचे मेरी जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बनेगा उसके नीचे जो ज़मीन है क्या वो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा वजन आया और वो ज़मीन कोलेप्स करे अक्सर आपने ऐसा मूवीज़ के अंदर नॉर्मली हम देख रहे होते हैं या आपने कभी वीडियोज़ भी देखी होंगी नॉर्मली होता रहता है कि अचानक एक ही धड़ल्ले में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और वेर ज़मीन भी चली जाती हैं तो ये ज़्यादातर कब होता है जब हमारा सॉइल बिरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और हमने हैवी स्ट्रक्चर बना दिया वहाँ पे अवल तो हम जहाँ सॉइल बिरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो तो हम हैवी स्ट्रक्चर रिकमेंड नहीं करते लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर हम उसकी सही एक पाइलिंग करते हैं उसकी फाउंडेशन को इतना मज़बूत बना देते हैं कि जब ये हमारी बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो तो हम इजीली उसके ऊपर कितने कोई लोड भी जो है इसकी और इसकी कैलकुलेशंस होती हैं अगर आपको याद हो तो बहुत स्टार्ट में हमने सिविल इंजीनियर्स की बात की थी जब आप फाउंडेशन आपकी जो ड्राइंग्स बनेंगी ये एक सिविल इंजीनियर एक्चुअली आपको ये बना के ये सिविल इंजीनियरिंग का ही काम है और वही इसको बना के दे रहे होते हैं यानी इसकी कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो ये कैल्कुलेशन हमें वहाँ से पता चल रही होती हैं कि इसके नीचे कितना हम इसको नीचे लेकर जाएंगे इसकी सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है इसका वाटर टेबल पानी का लेवल क्या है कि बहुत ऊंचा तो पानी नहीं है सी ज्यादा इलाकों की तरह तो इसको हम कंसल्ट करते हैं और ये हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये यहाँ मौजूद हैं फाउंडेशन वाल्स स्पोर्टिंग बीम्स अब स्टार्ट करें सबसे पहले ये पी सी सी हम आगे जाके अभी इन डिटेल बात करेंगे अभी हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर दे। ये फ्लोर लेवल है एफ एफ एल फिनिशिंग फ्लोर लेवल और ये हमारे ऊपर जो है वो फर्दर हम जो कंस्ट्रक्शन तो ये इस तरह की हमारी जो है स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है फिर आहिस्ता 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 जब हम वॉल में आते हैं तो हम इस लेवल पर पहुँच जाते हैं ये आपने कन्फ्यूज अभी परेशानियों ना हम आगे इन इन डिटेल इनकी बात करेंगे फिलहाल हम जस्ट क्विकली एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि सबमिशन ड्राइंग्स होती कौन कौन सी हैं ये हमारे पास बीम्स जो अक्सर आप घरों के अंदर देखते हैं ये बीम्स का हम बता भी रहे हैं कि उसकी फर्दर जो है साइज़ क्या है इसके साथ हमारे पास अब हमारे तीन जो है वो मेन कंपोनेंट आ रहे हैं जो हम सबमिशन uh, करवाते हैं ये तो चीज़ हमारी एसोसिएटेड डिटेल्स अब हम आ जाते हैं उस घर के प्लान की तरफ इसको हम uh, आने वाले टॉपिक में बहुत डेप्थ uh, में जाकर देखेंगे कि ये होता क्या है ये बनता कैसे है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं फिलहाल अगर हम बात करें तो प्लान ऑफ बिल्डिंग क्या है ये एक हॉरिजेंटल हमारा अगर फ़र्ज़ करें ये मेरा घर है इसको मैं अगर हॉरिजेंटली काट देता हूँ इसको मैंने कट कर दिया है रिजेंटली तो इसके नीचे से लेवल ये हम आगे जाके डिटेल बात करेंगे कि जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है खिड़की स्टार्ट हो रही है उस लेवल से अगर मैं घर को काट दूँ तो उसके नीचे जो मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जो कि हमारी भी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि हमने घर को काटा और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर मुझे डिटेल्स नज़र आ रही हैं वो डिटेल्स है एक्चुअली मैं प्लान के अंदर शो करूँगा हम इसको इन डेप्थ आगे जा दोबारा देखते हैं ये मेरा एक प्लान है ये आप देखें तो इसके अंदर क्या नजर आ रही हैं आप अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज़ नज़र आएंगी आपके डोर्स नजर आएंगे और इसके साथ आपकी अरेंजमेंट ऑफ रूम्स ये देख लें अगर आप तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है ये लाउज है ये मेरा बेडरूम है बाथ है तो ये सारी तफसलत जो हैं इस प्लान के अंदर मुझे नजर आ रही हैं मुझे मेनली क्या नज़र आ रहा है दरवाजे नज़र आ रहे हैं खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं कमरों की अरेंजमेंट नज़र आ रही है वरान्डा समथिंग और इसके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट होगा कि हमने एलिवेशन देनी होगी एक साइड से या कम से कम दो साइड से कि एलिवेशन क्या करती है इस ड्राइंग दैट शोज़ द फ्रंट साइड ऑफ समथिंग कि अगर आपने एक कोई बिल्डिंग बना ली है आपने हाउस प्लान बनाया है तो उसका जो फ्रंट है क्योंकि आप प्लान में तो हम नहीं शो कर सकते फ्रंट क्या प्लान में तो आपने देखा है कि हमने सिंपल देख बताया कि दरवाजे कहाँ पे हैं खिड़कियाँ कहाँ आएंगी हमारा ओवरऑल अरेंजमेंट लेकिन अगर हमने उसका सामने से किसी को बताना हो कि हमारा प्लान जब ये घर बन जाएगा तो अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो कैसे लगेगा उसके लिए हम एलिवेशन बनाएंगे इसको भी हम इन डेप्थ आगे जा दोबारा देखते हैं फिलहाल क्योंकि हम क्विकली और व्यव कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हमारी इसके अंदर जो फ्लोर प्लान है बैकग्राउंड शोज अ स्पेस फ्रॉम अबव एज इफ यू आर लुकिंग डाउन ऑन अर्थ तो जो हमने जो प्लान बनाया है वो तो ऐसे ही हमने देखा है कि हम उसको ऊपर से जो है वो देख रहे हैं और वो नीचे हमें क्या नज़र आ रहा है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नोट करें तो हमारे पास क्या है कि हम सामने से खड़े होकर अपनी बिल्डिंग को देख रहे हैं ये अगर आप नोट करें ये फ्रंट एलिवेशन है मैं सामने से देख रहा हूँ ये मेरी जो है वो यहाँ पे स्टेप्स हैं और मैं ये एंटर हो रहा हूँ ये सामने कोई मुझे खिड़कियां नजर आ रही है ये भी खिड़की है तो ये आप सामने से खड़े होकर देख रहे हैं आपको जो है वो एक टैंक नजर आ रही है ऊपर टैंकी जो नजर आती है हमें सामने हमारी प्लेसमेंट ऑफ डोर्स है विंडोज है तो किसी भी तरह की अरेंजमेंट्स तो ये हमारी एलिवेशन के अंदर ये हमारा टैंक भी आगे जो हमें नजर आ रहा होता है इसके साथ हमारा सेक्शन है कि अगर हम अपने सेक्शन इज अ तो वर्टिकल स्लाइस थ्रू अ बिल्डिंग विद वन हाफ रिमूव सो वी कैन लुक इन साइड फर्ज करें ये हमारा एक घर जो अक्सर हम देखते हैं और अगर हम इसको कहीं दरमियान से काट दें हमने स्ट्रेट वर्टिकल या हॉरिजेंटल ये मेरा घर है अभी हम देख भी लेते हैं आगे और आपने उसको बिल्कुल सेंटर में से या आपने सेंटर या किसी भी जगह से या वर्टिकल या आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाई और उसके बाद सामने से आपको क्या नजर आ रहा है वो एग्जैक्ट हम सेक्शन तो सेक्शन हमारा इंटीरियर डिटेल शो करता है प्लान हम दोबारा हम क्विकली रिवाइज करें तो प्लान ये कि हम ऊपर से देख रहे हैं एलिवेशन ये है कि हम सामने से खड़े हो रहे हैं या साइड से खड़े होकर साइड एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन के हमारा घर सामने से कैसा होगा और सेक्शन हमें इंटीरियर दिखा रहा है कि अगर हम घर को ऐसे काट दें किसी भी एंगल से काट दें या काटें या वर्टिकल लाइन लगाएं तो अंदर सामने हमें घर में क्या क्या नजर आ रहा है तो अगर हम देख लें तो हमें ये नजर भी आ जाएगा ये हमारे पास सेक्शन है तो हमने इसको काटा तो ये देख लें आप हमें वो छत की डिटेल भी बता रहा है कि छत के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है फाउंडेशन डिटेल्स भी आ रही हैं विद इन वो बता रहा है कि दरवाजा कहां पे आ रहा है ये विंडोज आ रही हैं तो ये हमें यहां पे पता चलेगा अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे पास मैप कॉस्मेटिक्स मैप कॉस्मेटिक ये हमारी लास्ट जो आ, हम टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं मैप कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं जो हमारे मैप को और खूबसूरत बना देते हैं जैसे हम कॉस्मेटिक्स की अक्सर बात करते हैं कि यह इरा चल रहा है कॉस्मेटिक्स का डिफरेंट हम इस्तेमाल करें तो मैप कॉस्मेटिक्स मीन्स जो हम टाइटल सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखते हैं फिर हम नीचे नॉर्थ एरो हम बताते हैं कि हमारा हम जो प्लान जो हम शो कर रहे हैं उसका नॉर्थ के साइड पर है हम अपना स्केल बता रहे होते हैं तो ये सारी मैप कॉस्मेटिक्स हैं उसके साथ सेप्टिक टैंक डिटेल होती हैं ओवरहेड जो हमारा वाटर टैंक है उसकी डिटेल अंडरग्राउंड जो हमारा सेप्टिक टैंक है आर स्लैब हमारी जो स्टेयर डिटेल्स होंगी डोर और विंडोज़ कितनी हैं कहाँ कहाँ लगाई हैं उनका साइज़ क्या है और एरिया जो है हमारा कवर्ड एरिया कितना है अनकवर्ड एरिया कितना है तो ये हमारी और रिक्वायरमेंट होंगी अब आगे जाके हम वन बाय वन इनको तफसील में इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे कि ये हम किस तरह इनको फर्दर बनाते हैं तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत क्विकली अपने प्रोजेक्ट तक देखा कि हम जब स्टार्ट करने लगे हैं तो क्या हमारी सबमिशन ड्राॅइंग रिक्वायरमेंट्स हैं हमने क्विकली बहुत क्विकली एक ओवरव्यू किया उन्होंने साथ साथ पिक्चर्स भी देख ली कि जब बन जाएंगी तो वो कैसी लगेंगी और हमने देखा कि आगे जाके हमने इनको बनाना भी है वन बाई वन और इनको और तफसील में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसकी फ़र्दर डिटेलिंग्स हम कैसे फ़िल करते हैं और फिर हम ख़ुद से इसे ऑटो कैड में बना के और हम ऐसी ही एक ड्राइंग बना लेंगे जैसे हमने उस ड्राइंग को जमा कराया है तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम आगे वाले टॉपिक्स के अंदर जब मूव करेंगे तो हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन सारी चीज़ों का